हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है शहाना ब्लॉग पर। आज बनाने जा रही हूँ दो रेसिपी। तो दो रेसिपी क्या क्या बनाती हूँ चलिए देखते हैं। और वीडियो पूरा पूरी देखिए, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और इधर ले लिया है पंकज मछली, ले लिया है, इसको काट लूँगी। और इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना मासूम देखने में ये मछली है। ये जैसे दिखते सुंदर है, वैसे खाते भी बहुत, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये अच्छे से काट लूँगी। और दूसरा जो रेसिपी है वो बाद में दिखाऊंगी, और थंबनेल देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मैं दो रेसिपी क्या क्या बना रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू रहिए वीडियो पे। और प्लीज़ वीडियो पूरा पूरी देखिए और शहाना ब्लॉग के साथ रहिए, शहाना ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए ऐसे। और जो वीडियो पूरा पूरी देखिए आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोग पूरा पूरी अगर वीडियो देखते हो तो। अभी देखिए मछली मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, ऐसे काट लूँगी अच्छे से। देख सकते हैं काट लिया। अभी इसका जो सर है वो काट लूँगी। सर जो है देख सकते हैं कितना बढ़िया है सर, इसका बहुत अच्छा है इसका सर है। और ये जो मछली है वो कम, बहुत कम मिलता है और खाने में बहुत टेस्टी है। दिखने में जितनी अच्छा है खाने में भी उतनी टेस्टी है ये। तो अभी ले लूँगी, लेने के बाद अच्छे से धुल लूँगी, धुलने के बाद दिखाती हूँ। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे ये रेसिपी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इन सभी को मेरे दिल से थैंक यू। और अभी देखिए तुरी हल्दी पाउडर, तुरी नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद पहले क्या करूँगी, इसका जो सर है वो मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी से बनाऊँगी इसका सर। और सब्ज़ी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी कढ़ाई पर तेल डाल दिया। इसका जो सर है वो पहले फ्राई कर लूँगी, ऐसे छोटा छोटा पीसेस करके सर जो है काट लिया। अभी देखिए करीबन फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। इसका जो क्वाश बोलते हैं, क्वाश की सब्ज़ी से, क्वाश सब्जी से बनाऊंगी। और अभी देखिए इसी तेल पर मैं क्या करूंगी, मछली जो काट कर रखा था वो फ्राई कर लूंगी। एक एक पीसेस डाल दिया। डालने के बाद दिखाती हूँ क्या करती हूँ, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। एक साइड से दूसरी साइड से फ्राई कर लूँगी। फ्राई तो सभी जानते हैं कैसे फ्राई करते हैं। और आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप लोग प्लीज़ देखिए यहाँ तक आ चुके हो तो। और अभी देखिए दूसरी साइड भी फ्राई कर लूँगी, और दूसरी साइड फ्राई हो चुका है, उतार लूँगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, ऐसे करके सब फ्राई कर लिया है मैंने। देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, और एक देख सकते हैं कैसे फ्राई हुआ है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी देखिए प्याज अदरक लहसुन की पेस्ट एक साथ बना लिया है। और अभी क्या करूँगी, तुरी तेल डाल दिया कढ़ाई पर, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। मिक्सी में एक बार घुमाया था, कुछ इस तरह से हुआ हो गया है। और अभी क्या करूँगी, मसाला डालेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे इनको, और ऐसे चलाएंगे। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। डालकर अच्छे से मिक्स करना है। फिर क्या करूँगी, मेरा मसाला जल जाएगा इसलिए थोड़ी पानी डाल दूँगी, और अभी नहीं थोड़ी और पकाएंगे। पकाने के बाद पानी डालेंगे। अभी देखिए मसाला कुछ इस तरह से हुआ है, अच्छे से भून लूँगी मसाला। मसाला भूनने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को क्या करती हूँ मैं। और अभी देखिए थोड़ी पानी डाल दूँगी, जो मिक्सी में रखा था ना, मिक्सी धुल कर पानी डाला है। अभी देखिए कुछ इस तरह से हुआ है, यह अच्छे से भून लूँगी, पानी सुखा लूँगी, पूरी पानी सूखनी चाहिए। और पानी सुखाने के बाद देखिए उबाल आ चुका है पानी में। और आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो,
प्लीज़ यार और भी सपोर्ट कीजिए मुझे, और आप लोगों की सपोर्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोग जब लाइक करते हो, जब सब्सक्राइब करते हो, मुझे मेरे दिल में आप लोगों के लिए उम्मीद जगती है। और आज मेरी भैया की आज मेरी भैया की 40 दिन हो गया है, 1 महीना और 10 दिन हो गया है। तो आज हम लोगों ने एक श्रीनी रखा है, तो श्रीनी में क्या क्या बनाया था वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोग देखिएगा वीडियो पूरा पूरी। और भैया की बहुत याद आ रही है मुझे, और अभी देखिए इधर मछली उबाल आ चुका है, जो फ्राई किया हुआ था मछली वो डाल देंगे, डालकर अच्छे से इनको उबालने देंगे, जैसे बबल्स उठ रहा है ना वो बबल्स ख़त्म हो जाए जड़ से, तब तो मैं उतार लूँगी। देख सकते हैं उतना कलर बढ़िया नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, हमारा लाइट नहीं है इसलिए शायद। और अभी देखिए कुछ इस तरह से हुआ है, अभी और एक बार चलाएंगे। देखिए हो चुका है, अभी मैंने ले लिया है मेरी प्लेट में 1 पीस माँस लिया है, नींबू और 2 कच्चा लौंग का और दाल ले लिया है, और एक जो केले केले की सब्जी थी, केले की सब्जी थी तो वो ले लिया है। अभी देखिए माँस कितने अच्छे से हो गया है, और इधर ले लिया है छोटा माँस, कोई और पुटी और टंगरा, 2-3 तरह की माँस है। आप लोगों को इधर क्या बोलते हैं कमेंट करके बोलिएगा ज़रूर। तो हम लोगों के इधर इसको ऐसे नाम से जाना जाता है, तो इनको काट लिया है, अच्छे से काटना नहीं दिखाया मैंने, सब तो काट सकते हैं। अभी थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर इनको मिक्स करेंगे, और फ्रिज में रख दिया था, अभी बहुत ठंडा है, मेरे हाथ से नहीं ले पा रही हूँ, वैसे ठंडा है बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या करूँगी, इनको ले लूँगी एक प्लेट में, लेने के बाद इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये माछ आप लोग क्या बोलते हैं, ये कोई माछ है, कोई माछ बहुत बढ़िया एक है माछ है, और इससे जो भी रेसिपी बनती है बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। और आप लोग देखिए प्लीज़ मेरी कोई माछ की रेसिपी यहाँ तक आ गई हो तो। और अभी देखिए कोई मैंने फ्राई कर लिया है, कर लूँगी फ्राई, जो बचा था वो भी फ्राई कर लूँगी। अभी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया, और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे कि अच्छे से तेल के साथ फ्राई करना है इनको। फिर क्या करेंगे, हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर क्या करेंगे, तुरी जीरा पाउडर, तुरी हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला जले ना इसलिए थोड़ी पानी डाल दिया। पानी डाल दिया, डालने के बाद अच्छे से इनको चलाएंगे, मसाला अच्छे से भून लेंगे। और हमारे इधर बहुत बारिश आ रही है, अभी तक आई नहीं लेकिन हवाएं चल रही है, मौसम इतना बढ़िया है क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। और अभी थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें लाल मिर्च पाउडर कम हो गया है, इसलिए लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अभी मैंने डाल दिया पानी, पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे मसाला। और आप लोगों को शायद सुना होगा बहुत हवाएं चल रही है और बच्चे लोग बहुत खेल रहे हैं इस हवा में, मुझे भी लग रहा है कि मैं भी जाऊँ, लेकिन एडिट कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए जा नहीं पा रही हूँ, और मैं वीडियो बनाकर वॉइस ओवर नहीं करती क्योंकि बहुत शोर शराबा होती है। मेरी बेटी, एक बेटी भी है, वो बहुत शोर शराबा करती है इसलिए। अभी देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, पानी डाल देंगे, डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ, उबाल आ चुका है, नहीं अभी तक आया नहीं, सॉरी, आने वाला है। अभी स्वाद अनुसार थोड़ी नमक डाल दिया, मुझे लगता है कि नमक कम है इसलिए मैंने डाल दिया। अभी देखिए जो कोई माछ है वो डाल देंगे, और कोई माछ की इतनी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं, ऐसे झूल रखेंगे सिंपल सी, जो माछ फ्राई करके रखा था सब डाल देंगे, एक एक करके सब मैंने डाल दिया है। और अभी देखिए
अच्छे से एक बार चलाएंगे और ऐसे चलाते जाना है, ऐसे चलाते जाना है और ऐसे बबल्स उठ रहा है ना वो जड़ से ख़त्म हो जाए तब क्या करूँगी उतार लेंगे, ठीक है। और अभी देखिए और चलाएंगे, उबाल अच्छे से आ चुका है। अब आपके पास अगर धनिया पत्ता है तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो धनिया पत्ता नहीं है इसलिए मैंने ना धनिया पत्ता नहीं डालूँगी। आप लोग अभी धनिया पत्ता डाल सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, इनको और एक बार चलाएंगे। देखिए इतना तो इतना हुआ है और एक लेकर दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए देख सकते हैं कैसे हुआ है। और अभी देखिए दो ले लिया है कोई माच की रेसिपी, तो मेरा ये रेसिपी बनकर तैयार है खाने के लिए। तो अभी क्या करूँगी, इनको ले लेंगे कोई माच। अभी देखिए एक लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, चौथा लिया है, ले लिया है। फिर क्या करूँगी, साइड पर जो माच रखा था वो भी ले लेंगे कोई माच के साथ, जो मैंने जूल बनाया था वो भी ले लेंगे। और मेरा जूल देखिए इतना गाढ़ा भी नहीं और इतना पतला भी नहीं, तो सब ले लूँगी माच और लेकर आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर देखिए, अगर यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, और नहीं लगे तो कमेंट में बोल सकते हो आप लोग कि अच्छा नहीं लगा, मुझे क्या बनाना चाहिए क्या नहीं, आप लोग बोल सकते हो मुझे, ठीक है, तो बोलिएगा मुझे। और अभी देखिए मैंने ले लिया है, अभी तो रहा नहीं जा रहा है मुझसे, मैं तो खा लूँगी, तो मैं खाती हूँ, ठीक है। और इधर आलू की, आलू और माँ से एक रेसिपी बनाई थी तो अभी ले लिया है साथ में। अभी माँच तोड़ कर दिखाती हूँ कोई माँच, देखिए। और देखिए अभी खा लेती हूँ, एक निवाला खा ही लेती हूँ क्योंकि मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए ध्यान से, याद से।